खरगोन शहर में पूर्व सैनिक समिति के बैनर तले डीआरपी लाइन स्थित इंडोर हॉल में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 24 से 27 तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर के 250 से अधिक खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संस्था द्वारा नगद राशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इंडोर हॉल में चल रहे रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए खेल प्रेमी पहुंच रहे हैं, जो तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सोमवार को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। विजेता टीमों को समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य है खरगोन नगर और खरगोन जिले के बैडमिंटन खिलाड़ियों को अच्छा खेल देखने को मिले, इसलिए हमने यह स्पर्धा आयोजित की है। पूर्व सैनिक समिति और खरगोन जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने संयुक्त तत्वावधान में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये टूर्नामेंट 24 से लेकर 27 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हमारे पास प्रदेश भर से लगभग 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और राज्य विजेता और उपविजेता खिलाड़ी भी हमारे यहाँ पर इस स्पर्धा में शामिल हुए हैं, जिसमें बच्चे 14 साल के भी हैं, 17 साल की उम्र के भी हैं और वरिष्ठ खिलाड़ी भी 35 से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी के लिए भी हमने टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये बच्चे चयनित होंगे तो आगामी कहाँ पर ये बच्चे खेलेंगे? इस टूर्नामेंट में बच्चे चयनित नहीं होंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर उनको जो अंक प्राप्त होंगे वो राज्य की टीम में उनका चयन किया जाएगा अंकों के आधार पर। कहाँ कहाँ से बच्चे हैं? हमारे इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास सुदूर जबलपुर के आगे सिवनी है, वहाँ से खिलाड़ी आए हुए हैं, शहडोल से खिलाड़ी आए, दतिया है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उसके बाद में धार है, देवास, इंदौर, राऊ, इन जगहों से हमारे पास खिलाड़ी आए हुए हैं। क्या इनाम राशि क्या रखी है? कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट की इनाम राशि 90,000 रुपये के लगभग हो रही है, सभी इवेंट की मिलाकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है और मैं खरगोन जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में पुष्पेंद्र जी गुप्ता है, ये पूर्व जिला सैनिक समिति के अध्यक्ष हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।